हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं उषा दोस्तों, और आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को लेके आया हूँ यहाँ पे कैबिनेट्स की दुनिया में। अब बेसिकली दोस्तों आप सभी की डिमांड थी कि भाई हमें कैबिनेट दिखाइए, हमें फ्लैट केस दिखाइए, हमें एक एक चीज़ डिटेल में दिखाइए, जो कि हम यहाँ पे कैबिनेट्स प्लस फ्लैट केस अच्छी क्वालिटी में कहाँ से लें, प्लस यहाँ पे प्राइस भी अच्छी खासी हो और उस प्राइस पे क्वालिटी को जस्टिफाई करे। तो लीजिए दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ की कैबिनेट्स लेके आ चुका हूँ, और वहाँ पे उसके जस्ट पीछे यहाँ पे फ्लैट केस भी रखे हुए हैं। काफ़ी हैवी क्वालिटी है, मैंने खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस करा उन फ्लैट केस को, कैबिनेट को देखा है, तभी मैंने सोचा नहीं यार आपके पास ये क्वालिटी जाना ज़रूरी है, तो मैं लीजिए अभी लेके आ चुका हूँ। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैबिनेट्स और कौन सी ब्रांड के साथ में आ रहा है, वो भी डिटेल में आपको देना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम जो है वो ब्रांड देख लें। तो यहाँ पे ये GSS प्रोफेशनल यहाँ पे ये ब्रांड है, ये ब्रांड की तरफ से आपको कैबिनेट्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे फ्लैट केस हो गए वो भी आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस कैबिनेट के साथ में, ये है हमारी XTX के 15। अब ये 15 XTX की कैबिनेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका जो पेंट की क्वालिटी है, साइड हैंडल की क्वालिटी है, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ये आ जाता है साइड हैंडल प्लस पेंट की क्वालिटी। हैंडल का जो ग्रिप है वो भी काफ़ी हमें अच्छा देखने को मिल रहा था। पेंट जो है वो सेंटेक्स पेंट इस पर करा गया है। ओवरऑल यहाँ पे जो है पेंट की क्वालिटी को देख सकते हैं। यहाँ अगर आप उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कैबिनेट आ जाती है, यहाँ पे जो हमारी कैबिनेट आ जाती है दोस्तों, ये आते हैं LF8 कैबिनेट, और यहाँ पे इसकी क्वालिटी को आप देख सकते हैं हैंडल से, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडल भी काफ़ी अच्छी जो है वो ग्रिप का हैंडल दिया गया है। पेंट की भी बात करूँ तो यहाँ पे ये पेंट भी जो है वो सेंटेक्स पूरा पेंट करा गया। सबसे ज़्यादा जो संतुष्टि होती है वो लेके होती है यहाँ पे इसकी फिनिशिंग को। अगर आप कैबिनेट कोई भी परचेज़ करें, अगर उसकी जो फिनिशिंग है अगर वो वाकई में अच्छी है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस भी, मतलब उसकी फिनिशिंग से ही पता लग जाता है कि उसके अंदर जो मटेरियल है वो किस टाइप का यूज़ करा गया है। तो यहाँ पे जो कि फिनिशिंग है वही बोल दे रही है इस कैबिनेट की क्वालिटी को, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। GSS की यहाँ पे भी ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। ग्रिल के भी जो गेज है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। तो आपके पास ये भी जो है वो ऑप्शन है कैबिनेट को लेकर। आगे अगर हम बढ़ते तो यहाँ पे ये स्कूप की कैबिनेट हो जाती है, जिसमें अगर आप स्पीकर देखेंगे तो स्पीकर जो है वो ऊपर ये एल बोल्ट से जो है वो खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एल बोल्ट से जो है वो टाइट करा गया है। ये हैंडल की ग्रिप हो जाती है और यहाँ से ये एयरपॉड्स बना रखा है। ओवरऑल ये भी फ्रेम पूरा का पूरा दिया गया है ताकि मजबूती जो है वो बनी रहे, इस बात का भी ध्यान है। सेंटेक्स सेम पेंट करा गया, तो ये दो है वो हमारी स्कूप की कैबिनेट होती है। उससे अगर आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाता है ये WBIN कैबिनेट। अभी ये WBIN की कैबिनेट काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रेज़ पे रहती है, मतलब अगर सिंगल स्पीकर यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे आपको एक बेस में जो है वो काफ़ी बूमी सा यानी अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, तो यस आप ये WBIN लेते हैं। काफ़ी लोगों का ये जो है वो डिमांड रहती है स्कूप को लेके या फिर WBIN को लेके, तो ये हो जाती है। ये ओवरऑल आप यहाँ पे इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं। ग्रिल का जो गेज है वो भी मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा है जो है वो यहाँ पे देखने वाले नीचे, लेकिन यहाँ पे ये है जो कि आर मॉडल है, ये हैंडल जो है वो इसके अंदर ही जो है वो यहाँ पे कटे हुए हैं। ये आर मॉडल हो जाता है, ऊपर वाला WBIN हो जाता है। इसके अंदर जो है प्लास्टिक हैंडल अच्छी खासी क्वालिटी में देखने को मिल जाते हैं। ऊपर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये हो जाता है मॉनिटर की कैबिनेट। यहाँ पे हम मॉनिटर की भी कैबिनेट देख सकते हैं। ये सिंगल 15 की कैबिनेट है, सेम उसके अंदर जो कि सेंटेक्स पेंट का ही यूज़ करा गया। उसके आगे मैं बढ़ूँगा तो यहाँ पे जो कि अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब बेस की कैबिनेट के साथ में जो है वो कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये बेस की कैबिनेट होती है, हॉर्न लोडेड कैबिनेट इसे हम कहते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। डैमो में अगर आपने देखा होगा कि जो कि मैंने यहाँ पे डैमो की वीडियो बनाए थे 21 के साथ में, तो उसमें भी ये हॉर्न लोडेड कैबिनेट ही फिट था। तो ये हॉर्न लोडेड कैबिनेट हो जाते हैं। जस्ट उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये VRX मॉडल हो जाता है, जो कि VRX कैबिनेट होती है। यहाँ पे देख सकते हैं इसको हैंग करने के लिए, यहाँ पे अगर आप इसको पोल में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी इसकी जो फिनिशिंग है, फिटिंग है बेसिकली, आप वो पूरी की पूरी फिटिंग को यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी की पूरी फिटिंग देख रही है। पीछे की साइड थोड़ा सा अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप पीछे की साइड भी देखेंगे तो वही क्वालिटी में काफ़ी अच्छी खासी जो है वो क्वालिटी देखने को मिल जाती है। ये स्पीकॉन्स हो जाती है, स्पीकॉन्स की भी क्वालिटी है। यहाँ पे जो कि बैक प्लेट है उसकी भी क्वालिटी हमें अच्छी खासी जो है वो देखने को मिलती है। ओवरऑल ये चार जो कैबिनेट है वो एक जैसी है। ये VRX हो जाता है हमारा। मॉनिटर की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्रंट में आपको मैं लेके आना चाहूँगा। मॉनिटर में भी आपको जो है वो काफ़ी अच्छे खासे जो है वो ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं। तो मॉनिटर में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाते हैं। यहीं अगर मैं बात करता हूँ, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये हमारे 12 के हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये 12 की कैबिनेट हो जाती है। इसकी भी जो है वो क्वालिटी हमें अच्छी खासी जो है वो देखने को मिल जाती है। ग्रिल पे भी आपको GSS प्रोफेशनल की जो है वो ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो ये 12 हो जाता है। यहाँ पे ये भी 12 हो जाती हैं।
एक्सट्रेक्स वाला मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन एक्सट्रेक्स में दोस्तों इस बात का गौर करने वाली बात यह है जो कि इसकी ऊपर की फिनिशिंग, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, शायद ही आप मार्केट में कहीं और देखेंगे। ये जो स्मूथनेस वाला वर्क करा गया है ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। ये एक्सट्रेक्स हो जाता है हमारा मॉडल, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फ्लैट केस, तो फ्लैट केस आपको सारी तरीके के हैं, कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि मेरे को कस्टमाइजेशन करवाना है फ्लैट केस के अंदर, लाइट का हो गया, एम्पलीफायर का हो गया, मिक्सर का हो गया, वायर्स की हो गई, टॉप के हो गए, यहाँ पे आप जो चाहें वो कस्टमाइजेशन वाले फ्लैट केस जो है वो बनवा सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं एक को अगर मैं खोलना चाहूँगा तो यहाँ पे ये एक को मैं खोलता हूँ, ये देख सकते हैं, ये जो है वो लाइट का फ्लैट केस हो जाता है। फॉर्म भी जो है वो अच्छी खासी जो है वो मोटाई वाली जो है वो फॉर्म यूज़ करी गई है। बात करता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास GSS का ही सेम रखा हुआ है, ये आ जाता है GSS का, देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैट केस। इसके अंदर भी जो है वो क्वालिटी हमें अच्छी खासी जो है वो देखने को मिलती है। ये मिक्सर के फ्लैट केस हो जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और ये हो जाता है हमारा एम्पलीफायर का जो है वो फ्लैट केस, एम्पलीफायर की फ्लैट केस की भी क्वालिटी दे सकते हैं। ये SS और प्लस यहाँ पे जितना भी फिटिंग्स हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओवरऑल आप यहाँ पे इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं। यहाँ पे ये जिंदल, मुझे लग रहा है ये जिंदल का जो है वो L और ये M जो है वो यूज़ करा गया है, दोनों जिंदल के हैं। और यहाँ पे इसकी क्वालिटी, हैंडल की क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये हैंडल की जो है क्वालिटी हो जाती है गाइस। और ओवरऑल यहाँ पे सारी साइज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, GSS की सेम ब्रांडिंग यहाँ पे रहती है, तो सारे के सारे साइज़ जो है वो आप अपने एम्पलीफायर के हिसाब से जो है वो कस्टम करवा सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों हमारा फ्लैट केस का सेक्शन, आपको कैबिनेट का भी सेक्शन जो है वो दिखा चुका हूँ। तो आप अपने हिसाब से चाहते हैं कि मुझे कैबिनेट में भी कुछ अलग तरीके का या कुछ डिज़ाइन मुझे पसंद आ रही है तो यस आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मिलेगा कहाँ वो सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों ये एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, तो ये जो एड्रेस है दोस्तों वो है भोपाल का, और शगुन साउंड सेल्स एंड सर्विस, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। एड्रेस प्लस कॉन्टैक्ट नंबर ये दोनों मैं आपको दे दूंगा, तो आप यहाँ से जाके जो है वो आप डिटेल ले सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं, परचेजिंग के लिए भी आप यहीं से कॉन्टैक्ट करिए, इस बात का भी आपको ध्यान दे रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस मैं मैंशन कर दूंगा, फ़ोन नंबर भी आपको दिख रहा होगा। ओवरऑल दोस्तों क्वालिटी कैसा लगा कैबिनेट का वो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे जितने भी आप डेमो वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा, जितने भी कैबिनेट्स लगी थी लगभग यहाँ पे जो कि कैबिनेट मैंने आपको दिखाया था वही कैबिनेट का यूज़ करा जा रहा था। तो आप जो है वो क्वालिटी, साउंड की क्वालिटी को भी जान सकते हैं कि साउंड की आउटपुट कैसी आ रही है उन कैबिनेट्स के अंदर। ओवरऑल दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ किसी एक अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।